दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव के तहत बुधवार को पर्चे की खरीदारी और नामांकन प्रक्रिया सकुशल संपन्न हो गया। चुनावी प्रक्रिया के तहत बुधवार को अध्यक्ष पद के कुल 6, उपाध्यक्ष पद के लिए 5, महामंत्री पद के लिए 4, पुस्तकालय मंत्री पद के लिए 3 और संकाय प्रतिनिधि के कुल 18 पद के लिए 4 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। इस चुनावी प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के लिए विश्वविद्यालय परिसर में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई। आपको बताते चले कि नामांकन पत्रों की जाँच की प्रक्रिया गुरुवार को सम्पन्न होगी। दिग्विजय नाथ कॉलेज छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया की जानकारी देते हुए चुनाव अधिकारी एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शशि प्रभा सिंह ने कहा, आज पर्चा दाखिला जांच और वापसी का दिन था। जितने फार्म कल गए थे उसमें से केवल एक फार्म महामंत्री पद के लिए, केवल 5 गए थे जो, उसमें से 4 ही आए हैं। बाकी सारे फॉर्म जमा हो गए हैं और उनकी जांच भी पूरी हो गई है। थोड़ी प्रक्रियागत चीज़ें बाकी रह गई हैं क्योंकि शिक्षक दिवस पे आज हमारे यहाँ रिटायर्ड टीचर्स का विदाई समारोह और नवागंतुक शिक्षकों का स्वागत समारोह रखा गया था। अभी वो कार्यक्रम चल रहा है, 3 बजे के बाद स्टार्ट हुआ, सब लोग वहाँ गए हैं। तो अब सब लोग खाली होंगे तो एक बार पुनः जांच करके और वैध पर्चा वापसी नहीं हुआ, कोई छात्र पर्चा वापसी के लिए नहीं आया। केवल एक फॉर्म जो, एक छात्र जो फॉर्म जमा करने ही नहीं आया, वो पर्चा वापसी समझिए जो समझिए, जमा करने ही नहीं आया। कल की क्या प्रक्रिया? कल की प्रक्रिया यह है कि 11 बजे पूर्वान वैध पत्राशियों की सूची चस्पा कर दी जाएगी सूचना पट पर, और 12 बजे, ये 11 बजे होगा, 12 बजे उनके साथ एक बैठक आयोजित है जिसमें उनको लिंगदो समिति की सिफारिशों के हिसाब से और अन्य सभी बातें बताई जाएंगी जिससे सुचारू रूप से चुनाव संपन्न हो सके। उनके सहयोग के लिए और अपने, हम लोग किस प्रकार से उनकी मदद कर रहे हैं वो सब बातें बताते हुए और छात्रों को, प्रत्याशियों को, छात्र प्रत्याशियों को अपना चुनाव लड़ने के लिए सफल आयोजन हो सके और इसके लिए एक बैठक है।